महागठबंधन सरकार के वित्त मंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। चूंकि यह बजट आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, इसलिए संकट में फंसे विदर्भ के छोटे और मध्यम उद्यमों को कुछ नहीं मिला है। बजट समाज के शोषितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, युवाओं, महिलाओं, खेत मजदूरों, किसानों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए था, लेकिन कुछ सामान्य लोकप्रिय नारों के अलावा इस बजट में और कुछ भी नहीं है। बजट धोखाधड़ी है, इसकी आलोचना वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और राज्य के पूर्व मंत्रियों डॉक्टर नितिन राउत द्वारा किया गया। आज सदन में राज्य के बजट पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या छोटे खेत और छोटे किसान हैं और उनकी आय कैसे बढ़े, इस सवाल पर सरकार की आर्थिक नीति बजट में नजर नहीं आती है। वर्तमान में रासायनिक खेती में पानी, खाद, बिजली आदि पर सब्सिडी मिलती है, प्राकृतिक खेती से ये सभी सुविधाएं नहीं मिलती है। जैविक खाद पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। अंतरिम बजट में समूह खेती, जैविक खेती के लिए अधिक सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है, राउत ने कहा। साथ ही केंद्र सरकार ने रुपए का परिश्रमिक तय किया है, इसे संबंधित बीमा कंपनी के माध्यम से सीएससी विभाग को दिया जाता है, इसलिए किसानों से सीएससी संचालकों को प्रति आवेदन एक रुपए की राशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उन्हें परेशान किया जा रहा है और किसानों से पैसे वसूले जा रहे हैं, ऐसा वक्तव्य नितिन राउत ने किया। सन 2024-2025 के अतिरिक्त अर्थसंकल्प और मी माझं मत मांडण्यासाठी या ठिकाणी अध्यक्षमय उभा आहे। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र हे कल्याणकारी राज्य असे आपण समजतो। सिरियल आहे, सिरियल बजेट मुळातच लोककल्याणाचं, विकासाचं असतं, त्यातही मूलभूत सुविधा, मूलभूत गरजा भागविणे, उपजीविका, रोजगार, शेती, उद्योग, शहरीकरण, शिक्षण, आरोग्य यावर भर देणे आवश्यक असते। संविधानाचे अनुच्छेद 21 व 46 च्या उद्देशपूर्तीसाठी बजेटची रचना पाहिजे। समाजातील शोषित, वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याक, दुर्बल घटक, युवा, महिला, शेतमजूर, शेतकरी हा वर्ग नजरेसमोर ठेवून बजेट तयार व्हायला पाहिजे। मात्र नेहमीच्या काही पॉप्युलर घोषणा वगळता या बजेटमध्ये विशेष असं काही नाही। खरं म्हणजे देशामध्ये महागाई इतक्या मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी वाढली आणि महागाईने सर्व रेकॉर्ड आज या प्रसंगी तोडलेले आहेत, ती सर्वोच्च पातळीवर आहे। यापूर्वी महागाई वाढली असे नाही, पण तीच एकाच वेळी सर्वच क्षेत्रात वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आलाय। अध्यक्ष महोदय, सरकार महागाई काबू ठेवणा करण्याच्या आघाडीवर सपशेल आपटले आहे। अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न आणि डाळीच्या किमतीत भरघोस वाढ झालेली आहे। खाद्यपदार्थावर जीएसटी लागल्याने दैनंदिन जीवनातील दही ताकही महागले। अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी आणि अशा वेळेला जर आपण देशातील घाऊक महागाई दर मे महिन्यात 2.61% पोहोचला आहे आणि हे मी सांगत नाही तर उद्योग मंत्रालयाने सांगितलं आणि आता 15 महिन्याच्या उच्चांकी पातळीवर आपण आपली आकडेवारी या ठिकाणी पोहोचलेली। अध्यक्ष महोदय आणि अध्यक्ष महोदय, महागाईमध्ये महाराष्ट्र सुद्धा अग्रेसर झालेला आहे। इंधनाचे दर जास्त आहेत, वीज दरातही वाढ करण्यात आली, भाजीपाला, मसाले, अन्नधान्य, खाद्यतेलाच्या आघाडीवर सर्वसामान्य जणांना कुठे दिलासा मिळाला नाही। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रात महागाईचा दर 7.7% आहे, देशाच्या महागाईच्या दरापेक्षा अर्थातच राज्याचा महागाई दर जास्त आहे। अध्यक्ष महोदय, त्यामुळं आपण कुठेतरी कमी पडतो आहोत या संबंधाने या ठिकाणी विचार होणं आवश्यक आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। हार्ट से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए आए मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, जहां होता है 70% से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी, नो साइड इफेक्ट, विद एडवांस्ड साउंडलेस पीएसके मशीन। मुग्धा ईईसीबी एंड हार्ट केयर सेंटर, बिहाइंड माउंट कामल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।